दलाली पर उतर आए हैं और इस दलाली का क्या स्तर है, कितनी ये गिर चुकी है। अगर हम इसके उदाहरण देखेंगे तो लज्जा तो छोड़िए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन अब भी लोग अपने तर्कों के साथ खुद को बचाने की कोशिश कर रहे और तर्क दे रहे कि वो निर्दोष है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे कि टेप इतने घंटे के हैं, उसमें से कुछ ही घंटे के टेप सामने आए हैं और उस कुछ ही घंटों में आप हमारे बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते। यशवंत जी को मैं पूछूंगा, यशवंत जी जिस तरीके से यह तर्क दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तर्क जो है बेमानी है और लोग जानते हैं इस बात को कि इस देश में जब भी भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है तो भ्रष्टाचारियों ने, घोटालेबाजों ने सिर्फ एक ही तर्क दिया है कि मैं निर्दोष हूं, जांच में सहयोग करूंगा, जांच पे मेरा पूरा भरोसा है। लेकिन जनता को पता होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, और जनता की अदालत फैसला करती है, लोकतंत्र है यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि आज ये ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि हमारी मीडिया के शीर्ष लोग बिक गए हैं या बिकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और दलालों के से संपर्क में हैं। मुझे लगता है कि जो ये आर्थिक उदारीकरण का दौर चला है इस देश में, जिसने कि सारे संस्थानों को करप्ट किया है, पैसा ही सबसे बड़ा बड़ा प्रभु है, पैसे की ही का ही खेल है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है। श्रम से लेके जो पूरे वैल्यूज स्थापित किए गए थे आजादी के आंदोलन में, वो धीरे 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 उदारीकरण के दौर में आते आते खत्म हो गए बिल्कुल और अब सिर्फ एकमात्र भगवान है, वो रुपया है। तो जब हमने एक ऐसी अर्थतंत्र को का सृजन कर दिया है, एक ऐसा हमने व्यवस्था बना दी है जहां पे किसी की ईमानदारी, श्रम, गरिमा, मानवीय मूल्यों का कोई स्थान नहीं है, तो वहां पे शायद भ्रष्ट होना ही, पैसे कमाना ही एकमात्र वैल्यू सिस्टम बन गया है। और इस सिस्टम को हम लोग नहीं बदलेंगे तो जाने कितने मूर्तियां विखंडित होंगी, जाने कितने बर्खास्त दलाल बनेंगी, जाने कितने महान पत्रकारों के टेप फिर उजागर होंगे। मुझे लगता है कि मुख्य मामला यहां पे है कि हमें इस बात पे भी बहस करना चाहिए कि आखिर इस देश में ऐसा शासन पद्धति क्यों चल रहा है जहां पे पैसे दिलाने कंपनी को और खुद ज्यादा पैसे पाने को ही सबसे महान काम माना जाने लगा है। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से बात कर रहे, क्या केंद्रीय सत्ता का या जो भी सत्ता जिसके अंडर ये सब कुछ होता है उसका कमजोर होना भी एक कारण है? ये चाहे केंद्रीय सत्ता मजबूत हो चाहे कमजोर हो, मतलब दलाली तो दोनों हालत में हो सकती है, बिल्कुल बहुत मजबूत हो तब भी हो सकती है, बल्कि खतरा तब ज्यादा होता है जब केंद्रीय सत्ता बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो जैसे दुर्योधन ने पांचों पांडव जीत लिए, उनकी पत्नी जीत ली, उनका सारा जीत लिया, तो क्या कहा कि दुशासन द्रौपदी को यहां लेके आओ और मेरे पितामह, मेरे गुरु सबके सामने निर्वस्त्र कर दो। तो वो मतलब वो तो सब कुछ जीत बिल्कुल चुका था, वो बिल्कुल कमजोर नहीं था बिल्कुल और बिल्कुल उसने सबसे बुरा कर्म कर दिया। तो देखिए, ये तो हमारी नियत के ऊपर है, बिल्कुल अगर हमारा बिल्कुल चरित्र खोटा है तो हम कमजोर हों चाहे मजबूत हों, दोनों हालत में हम। और सुरेश जी ने जो बात कही, देखिए आज के हिंदुस्तान टाइम्स में वीर सांघवी ने ये कहा है कि ये काउंटर पॉइंट जो कॉलम में लिखता था, ये आज से मैं, आज ही के अखबार में उन्होंने कहा आज से मैं इसको बंद कर रहा हूं, लेकिन मैं बाकी टीवी प्रोग्राम में लेकिन जाता। लेकिन ये कुछ दिनों के लिए बंद कर रहा हूं, ऐसा हाँ कहा है? हाँ परमानेंटली नहीं कर रहा हूं, परमानेंटली नहीं कर रहा हूं। तो अच्छा, और बाकी टीवी प्रोग्राम में जाता रहूंगा, बाकी अपना और हिंदुस्तान टाइम्स की ब्रंच मैगजीन में लिखता बिल्कुल मतलब अपना रहूंगा। काला मुंह छिपाएंगे नहीं, दिखाएंगे सबको हाँ, लेकिन लिखेंगे नहीं। तो अब देखिए क्या है कि इसी हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में जो एडिटर थे एक पहले, उन्होंने एक किसी दूसरे का लेख अपने नाम से छाप दिया था, चोरी जिसके प्लेजरिज्म बोलते हैं पत्रकारिता में, और पायनियर अखबार ने फ्रंट पेज पर पे छापा कि हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर इन चीफ ने ये अपराध किया है, ये चोरी की है। एक दिन में इसकी मालकिन शोभना भरतिया जी ने उनको निकाल दिया। बिल्कुल वीर सांघवी का ये टेप, मतलब यशवंत सिंह जी के उससे, और मतलब कितनी बार हम लोग सुन चुके हैं इन टेप्स को, उसके बावजूद भी अभी तक वीर सांघवी के साथ बिल्कुल पूरा रिश्ता तोड़ा नहीं गया है। बिल्कुल अभी भी वो इसी अखबार में लिख रहे हैं कि ये कॉलम बंद कर रहा हूं लेकिन ब्रश में लिखता रहूंगा और बाकी सब अपना चालू रखूंगा। बिल्कुल ये बातचीत एक्चुअली क्या हुई, क्यों वीर सांघवी इस टेप को, इसका कॉलम को बंद करे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बातचीत से आपको ध्यान में आएगा वो मीडिया ये भी अब बिक चुका है और इसकी बिकवाली में ऐसे नाम सामने आए हैं जो कि कभी अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से भी बढ़कर मीडिया में पेश करते आए, और उनके ग्रुप भी उनको ब्रांड एम्बेसिडर तो क्या, लेकिन लोगों के आइकॉन की तरह सामने पेश करें। देश के लीडरशिप का भी दुर्भाग्य है कि जिन्होंने, जिनको पद्मश्री दी गई है, ऐसे लोग बिकवाली के एक पात्र थे, ये भी सामने आया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। बोलिए। हाँ बोलिए।
आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज सुबह ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था अपना टीवी में, जो कि एक फिल्म थी अपना सुदाम सेन पर। हेलो, बोलते रहिए आप। सुदाम सेन पर एक फिल्म थी जिसने अपने दामाद को देश के साथ गद्दारी करने में, देश के साथ गद्दारी करने पे उसने अपने दामादों को मार दिया, सजा दी। तो क्या हमारे देश में मीडिया ऐसी कभी क्रांति लाएगा जिससे कि देश के गद्दारों को या भ्रष्टाचारियों को सजा मिले? क्योंकि आज में जो मीडिया है वो तो दो दिन के लिए सिर्फ सामने कोई भी खबर को दो दिन के लिए लाता है, उसके बाद वो खबर कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन राजेश जी यहाँ पर तो खुद मीडिया ही दलाली कर रहा है। अब तो मीडिया को सजा सुनानी पड़ेगी, आप तो मीडिया द्वारा। अभी कुछ देर पहले मनोज जी ने कहा था कि तीन स्तंभ है जी देश को चलाने के लिए, तीन, मैं कहता हूँ चार स्तंभ है। एक है मिनिस्ट्री और दूसरा है डिफेंस और तीसरा है हमारे देश की कोर्ट और चौथा ये मीडिया है। लेकिन ये भी ऐसा ही है तो फिर हमारा देश तो भगवान भरोसे चल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। देश भगवान भरोसे चल रहा है ऐसे हमारे कॉलर कह रहे हैं, और भगवान भरोसे अगर हमको छोड़ना है तो चुप बैठिए, और अगर भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है, हालांकि भगवान भरोसे तो इनसे बेटर चलेगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी व्यवस्था कायम करनी है तो गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइए। और एक कॉलर बोलिए, आपका नाम बताइए और क्या कहना है आपका। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। सर मैं ये कहना चाहूंगा, आपको सलूट करना चाहूंगा सर। पहले सर आपने हर मुद्दे पर प्रोग्राम किया है, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे राजनीति हो, हर पार्टी के खिलाफ किया है, मीडिया के खिलाफ किसी भी चैनल ने नहीं किया। तो मैं आपको सलूट करना चाहूंगा। और हमें एक सवाल ही मेरे में उठ रहा है कि सर आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? बिल्कुल, क्या नाम है आपका? महेंद्र बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से। बिल्कुल, क्या आप हमारे साथ मीडिया के कुछ गेस्ट भी बैठे हुए, इनके लिए क्या कहेंगे? इन्हें भी मैं सलाम करना चाहूंगा सर कि आपके साथ आए हैं, क्योंकि मैंने सभी चैनलों को जनरली मैं देखता रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं भी, लेकिन मैंने कहीं किसी भी चैनल में ऐसा नहीं देखा और ना किसी ने दिखाया इन लोगों को इतने सही तरीके से। अगर ये लोग ही ऐसा करेंगे तो हमारा जो भरोसा है, हम आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं रुकती दिख रही है सर। मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, ये जो मुद्दा है जो कि मैंने बोलने में भी कहा लेकिन इस पर हमने चर्चा नहीं की, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि बाकी चैनल इसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? देखिए, हम लोग एक बीमारी से ग्रस्त हैं मीडिया वाले। जैसे किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत करिए तो उसको उसका निर्णय कैसे होगा कि पहले डॉक्टर्स का एक पैनल तय करेगा कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और डॉक्टर्स की कभी ऐसी मिली भगत हो जाती है कि वो अपने साथी डॉक्टर को बचा लेते हैं। हम मीडिया वाले इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो मतलब हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप हमारे खिलाफ मत बोलिए, तो मतलब हम लोग धांधली करते भी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मेरे भी चुप और मेरे भी चुप। हाँ, हमारी हम बीमार हैं, बीमार हैं। और क्या कारण है यशवंत जी? मुझे लगता है कि जो ये टेप हैं उसमें तो पांच छह बड़े घरानों के नाम सामने आ चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को मैनेज कर दिया, उसकी वाट लगा दी, राडिया खुद बोलती हैं, और दैनिक भास्कर के अग्रवाल के बारे में कि ये लोग बड़े छोटे लोग हैं, धंधा बहुत बड़ा हो गया इनका, वो बात खुद कहती हैं। एनडीटीवी की बरखादत फंसी हुई है, हिंदुस्तान टाइम्स के वीर सिंह भी फंसे हुए हैं, और जाने कितने ऐसे मीडिया हाउस होंगे जिनको मीरा राडिया ने मैनेज किया होगा, करोड़ों के लाभ पहुंचाए होंगे। बिल्कुल, और भी नाम मुझे लगता है यशवंत जी लेने चाहिए, क्योंकि लोगों को नाम ही पता नहीं है, जैसे प्रभु चावला है, राजदीप सरदेसाई है, क्योंकि ये नाम अगर हम नहीं लेंगे इन कार्यक्रम में तो लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा इतना बड़ा कुछ षड्यंत्र इस देश में हो चुका है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और इस पे तो जन जागरण अभियान चलना चाहिए, और खासकर जैसे नेताओं के बहिष्कार और नेताओं के खिलाफ लगातार जनता के लिखने, ब्लॉग लिखने, रैलियां, आंदोलन करने का सिलसिला शुरू होता है, वैसे इस देश के लोगों को ये जो बड़े मीडिया हाउस हैं जो कि अब सत्ता संरक्षित हैं, और इनके जो कंटेंट के लीडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर जिनको आप कह रहे थे, जो कि बरखा दत्त हैं, जो मानी जाती हैं, आप जानते हैं कि हर बड़े मीडिया हाउस में विज्ञापन विभाग अलग होता है, एडिटोरियल अलग होता है, मार्केटिंग के लोग अलग होते हैं, लेकिन क्या जमाना आ गया है कि अब पत्रकारों से ही, जो उनके कंटेंट लीडर हैं, उनसे ही पेड न्यूज करवाया जाता है, उनसे नेताओं से पैकेज लिया जाता है, और अब तो उससे आगे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन परियोजना पास होगी, कितना कमीशन मिलेगा, इस सब में इतने बड़े बड़े लोग हिस्सेदारी करने लगे हैं। कभी कहा जाता था, हम लोग सुनते थे कि संपादक के कक्ष में घुसने से पहले मंत्री भी कांपता था, अनुमति लेता था, और संपादक नहीं मिलता था, एक वो जमाना था। लेकिन
अब देखिए वो जमाना है कि जब हमारे संपादक लोग खुद दलालों से बात करते हुए पकड़े जाते हैं और मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, और शर्मनाक तो यह है कि ऐसे लोगों को उनका उनके संस्थान बचा रहे हैं। जब इंडिया टुडे में शंकर अय्यर थे, उनके 6 टेप हैं जिसमें उन्होंने लंबी बातचीत की है, प्रभु चावला से लंबी बातचीत हुई है, पर्सपेक्टिव पूछती है रियल आइडिया में, तुम्हारा प्रभु पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूं, और वो पर्सपेक्टिव देते हैं कि इस देश में न्यायालय से सब कुछ फिक्स हो सकता है और क्या क्या बातें होती हैं। इन सारे टेपों को सुनाया जाना चाहिए और इस पर मुझे लगता है कि सिलसिलेवार कार्यक्रमों की जरूरत है। बिल्कुल, हमने इसको काफी चलाया है और भी चलाएगी, लेकिन बिंदास बोल में हम लोगों के लिए इस मुद्दे को लेकर आते हैं और लोगों को कहते हैं कि इस पर आप बात करिए। अगर नेता भ्रष्ट है, उसके पुतले जलाए जाते हैं, उनके खिलाफ देशभर में अगर FIR की जाती है, तो भ्रष्ट पत्रकारों के खिलाफ, भ्रष्ट मीडिया वालों के खिलाफ पुतले जलाना, उनके खिलाफ FIR करना, उनके खिलाफ आंदोलन करना, लोगों में रोष उत्पन्न करना क्यों नहीं हो सकता? हम देश के सारे एक्टिविस्ट कार्यकर्ताओं को, संगठनों को, सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक दलों को भी कहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ भी कुछ करिए, कुछ बोलिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इनकी जो तथाकथित इमेज इन्होंने वॉश करके रखी है, उसकी सच्चाई, काला दाग, इनका काला चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए।